ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧର୍ମବିହାରରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଧାରିତ ଶବଦାହ ଗୃହ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶବଦାହ ଗୃହ ଏଥିରେ ବିଶେଷତା କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ଶବଦାହ ଗୃହ, ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳକୁ କହିବି, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଶବଦାହ ଯେଉଁ କକ୍ଷ ରହିଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବଦାହ ଗୃହ ଭିତରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଏଇ ଏହାର ଦେଖରେଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଛନ୍ତି ଟେଲିକମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଜେନେରାଲ ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଲି ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜି କୁଛ ଦେର ପହଲେ ତ ଇସ୍କା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋ ଗିଆ ହେ, ତ ଇସ୍ମେ ବିଶେଷତା କ୍ୟା ହେ, ମତଲବ ଇଏ କେସେ କାମ କରତା ହେ? ଇସ୍ମେ ଇସ୍କା ଇଏ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେ, ଏକ ତ ଇଏ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେ, ଇସ୍ମେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଜିରୋ ଫ୍ରି ହେ, ରାଇଟ? ଇସ୍ମେ ଥ୍ରୀ ଟାଇମ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରତା ହେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ଡିଫରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, କି ଜଙ୍ଗଲ କଟନା ବନ୍ଦ ହୋଗା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇସ୍ମେ ଲକ୍କଡ଼ ଜଲେଗା, ଲକ୍କଡ଼ ଜଲେଗା ତୋ ଉସ୍କେ ବାଦ ଉସ୍କା ଜୋ ଏସିଜ ବନେଗା ଉସ୍କୋ ପାନି ମେ ନଦୀ ମେ ବାହେଗା। ଇସ୍ମେ ନା ତୋ ଜଙ୍ଗଲ କଟେଗା, ନା ଜଲେଗା ଲକ୍କଡ଼, ନା ପାନି ମେ ବାହେଗା। ଇସ୍ମେ ସିମ୍ପଲି ହେ କି ଇସ୍କା ଚେମ୍ବର ଅନ୍ଦର ସେ 750 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଆ ଯାଏଗା, ବଡ଼ି ଇସ୍କେ ଉପର ଲେଫ୍ଟ ହୋକେ ଅନ୍ଦର ରେଷ୍ଟ ହୋ ଯାଏଗି, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ବି କମିଟେଡ ୱିଦ୍ ଇନ୍ 16 ମିନିଟ୍ସ, ହଁ 1 ଘଣ୍ଟେ କେ ଅନ୍ଦର ହୋ ଯାଏଗା। ଦେନ୍ ଉସ୍କେ ବାଦ ଅଗର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଡ଼ି ଲଗେଗି, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲୋ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ଦ କମିଶନ, 45 ମିନିଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ ମେ ହୋ ଯାଏଗା। ଏକ ଷ୍ଟେଜ ଏସି ଆଏଗି କି ହମାରା ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହୋ ଯାଏଗା ଅଟୋମେଟିକଲି। इसमें जो अंदर का टेम्परेचर है उसी से ही बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली होगी, और ये नेचुरल गैस है, कोई गैस ये बनाई नहीं हुई, आर्टिफिशियल नहीं है, इट्स ए नेचुरल। जैसे वुड नेचुरल है वैसे ये भी गैस नेचुरल है। एलपीजी गैस से हम खाना बनाते हैं, सीएनजी से गाड़ियाँ चल रही हैं, ये कौन सी गैस है? ये है एलपीजी नेचुरल, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, हाँ ये नेचुरल धरती से आती है। इसको हम पाइप के थ्रू घर घर में, प्लस जहाँ भी कोयले का यूज़ हो रहा था, लक्कड़ का हो रहा था, केरोसिन का हो रहा था, डीजल का हो रहा था, तो विल बी ऑल रिमूव। उसकी जगह हमने ये गैस को यूज़ किया है ताकि पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि सीएनजी गैस का 0% है। अच्छा, ये गैस बिल्कुल कोई टॉक्सिक नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, इसका एडवांटेज है इसको ईजीली हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं, और कहीं भी छोटी दुकान में भी, चाय की दुकान पे भी, कमीशन ग्राउंड में भी, आप इंडस्ट्रियल एरिया में भी, स्कूटर में भी, इवन बनारस में इससे जो बोट चलती हैं डीजल से, उसी गैस से ये चला दी हैं, यही गैल वालों ने, तो हम गैल के साथ एसोसिएटेड हैं, तो मिलकर हमारी ये टेक्नोलॉजी है, हमने इसको पूरा कंप्लीट किया है। आपने बोला कि एक डेड बॉडी को जलाने के लिए लगभग 60 मिनट टाइम लगेगा, 1 आवर टाइम लगेगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा? जो लकड़ी जलाने से लकड़ी को खरीदना पड़ता है, लोग उससे भी खर्चा करना पड़ता है, एक तो इसमें टाइम की सेविंग है, सेकेंडली वुड जोन से एक बॉडी कमीशन होने में कम से कम 4.5-5 क्विंटल लकड़ लगता है। इसके अंदर हमारा हार्डली 10 kg के करीब गैस लगती है एक बॉडी के लिए, हाँ यस। फर्स्ट बॉडी जो जलेगी उसमें 10-15 kg गैस लगेगा, आफ्टर सम टाइम देन विल बी रिड्यूस बिकॉज द टेम्परेचर इज मेंटेन इन द चैम्बर। कुछ समय के अंदर अगर दूसरा बॉडी जलाया जाएगा तो उतना कॉस्ट इफेक्टिव कम होगा, गैस कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिकल पड़ता है। और थर्ड थिंग, इसमें बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, जो वुड है इलेक्ट्रिक है उसमें पॉल्यूशन है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक का इसलिए नहीं प्रेफर हो रहा आजकल, उसके लिए डीजी सेट बहुत बड़ा चाहिए, कम से कम 200-250 kVA का, जिसके अंदर डीजल फूकेगा, फिर उसके बाद पीछे से ट्रांसफार्मर चाहिए जहाँ से आपकी बिजली आ रही है, वो पावर चाहिए कम से कम 250-300 hp का पूरा ट्रांसफार्मर। इसमें 20 kVA का एक इमरजेंसी, कभी ड्यूरिंग द बॉडी लाइट चली जाए तो एक छोटा सा 20 kVA का डीजी सेट रखा है, यस ओनली फॉर इमरजेंसी, हाँ वो भी कि हमारा पॉल्यूशन के लिए जो सिस्टम लगा है उसको ऑपरेट करने के लिए, बाकी हमारा सब गैस के साथ है।
गेल की तरफ से तो इस ये चलाया जाएगा, आप इसकी मेंटेनेंस के तहत? हाँ, इसका हमारा फुल सपोर्ट है, हम जहाँ भी बनाते हैं इसको पूरा सपोर्ट करते हैं, चाहे म्यूनसिपलिटी करे चाहे गेल, हम गेल से पहले ही जुड़े हुए हैं और इसको हम पूरा ही इनको सा है, हमारा इसका 6 मंथ्स का पूरा इनके साथ मेंटेनेंस है, सुपरविजन है सारा। आइए बात करते हैं आपसे। जी चलिए उस तरफ से चलते हैं। ये है कि हमारा पीछे ये सिस्टम लगा हुआ है सारा, ये हमारे चैम्बर हैं दो, इसमें ये यूनिट के अंदर एक है ये प्राइमरी, इसके अंदर ये मेन बर्नर है, यहाँ से फायर होता है, यहाँ से ये इसकी सप्लाई है, ये सेफ्टीज हैं इसकी, ये सारी सेफ्टी हैं। अगर पीछे से गैस नहीं आएगी या हमारा ब्लोअर कुछ बंद हो गया, कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा जी। देन ये एक छोटा बर्नर है, इसमें ये सेकेंडरी बर्नर है, जब ये आपका यूनिट में कोई बॉडी ना हो, कुछ ना हो, आपको एडवांस में कोई इन्फॉर्मेशन है बॉडी आनी है, तो हम छोटे बर्नर को ऑपरेट कर देते हैं ताकि वेस्ट गैस ना जाए। हाँ यस, कंज्यूम गैस कम हो। ये छोटा बर्नर है, ये बड़ा है, इसको हम टाइमली चलाते हैं इन द एडवांस, वहाँ से एशेज निकलती हैं। यहाँ वहाँ से एशेज तो एक रहता है कि मतलब हमारे हिंदू धर्म में जो अस्थियाँ उसको विसर्जित करने के लिए लकड़ी से मिलता है। इसमें आपको एशेज सिर्फ फूल मिलेंगे, जिसको कहते हैं फूल बोन्स मिलेंगी, ना कि इसके अंदर कोई ऐश मिलेगा, क्योंकि ऐश को हम सारा वेट स्टबिंग कर देते हैं अंदर यूनिट में ले जाकर फिल्ट्रेशन करते हैं। वो उधर से वो चैम्बर है, चैम्बर से उस रूम में गया है अंडरग्राउंड डक्ट से, तो देन विल बी इन द एटमॉस्फेयर, वो हम चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं एज ए स्टीम बनाकर। ये सिस्टम, ये गैस पाइपलाइन है, ऐसा वेस्टेज नहीं निकलेगा जिसको लेके नदी में बहाना पड़े? नो, हार्डली, बॉडी के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम हाफ एंड 1 kg के बिटवीन बस एशेज निकलता है। बस पूजा पाठ वो होता है। कुछ एक हमारे ह्यूमंस में बॉडी ऐसी हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी नहीं जलती हैं, तो वो जो बॉडीज होंगी वो पार्ट्स बचेंगे हमारे, तो वो पार्ट्स को हम विसर्जित कर देते हैं। छोटा सा होता है, उसमें कोई ऐसा एशेज नहीं होता, कोई कार्बन नहीं, कोई गैस नहीं, कोई वो नहीं। लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि वो जो बोल रहे थे कि कुछ ही दिनों में वो दो आइगिनिया, भुवनेश्वर के आइगिनिया और कटक के खाननगर में बनाया जा रहा है, वो अगर चालू हो जाएगा तो ये तीनों मिला के कितने आसानी हो जाएगा डेड बॉडी को जलाने के लिए? ऐसा है कि इसमें बेसिकली ड्यूरिंग द कोविड के अंदर हमने ऑल इंडिया बेस पे यूनिट्स बनाए हैं और कोविड के बीच में भी बनाए हैं, तो देन पहले थोड़ा सा रिलीजियस जोन थे वो कम इसको अनवेयर थे, अब जैसे जैसे कोविड का हुआ था तो अब हर लोग इसको ज़्यादा यूजिंग में रह रहे हैं। कोविड में ज़्यादा डेथ्स हुई? यस यस, देन कि अब अवेयर हो गए हैं कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, तो देन विल बी सेव द पॉल्यूशन एंड इको फ्रेंडली। जो लकड़ी जलाने से धुआं निकलता है वो नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो चिमनी से धुआं निकलेगा एज ए वाइट स्मोक निकलेगा, एज ए स्टीम टाइप। एनवायरनमेंट के लिए वो ज़्यादा खेती कर? नहीं नहीं, इट्स इज स्टीम, स्टीम का कोई है ही नहीं, क्योंकि वेट स्क्रबिंग करके हम इसको फिल्ट्रेशन करके डालेंगे सर सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आलोचना करुले आम सहित चीफ जनरल मैनेजर थे, जी यही जो प्राकृतिक गैस आधारित शवदाह गृहर मेंटेनेंस दायित्व अच्छा, से तमाम सूचना दूसरे जे केमी एटी डेड बॉडी पोड़ा जाव, प्राकृतिक गैस मध्यम डेड बॉडी पोड़ा गले प्रकृतिर कौन सी क्षति हम ना, कौन सी प्रकार प्राकृतिक जो आम कहीपर वायु प्रदूषण हम ना, एवं ता सहित अल्प समय डेड बॉडी पोड़ा जाई पारिबो, एवं हिंदू धर्म अनुसार अस्थि मध्य एठी उपलब्ध होई पारिबो सब पोड़ा जीवा परे। निश्चित भाव यही पदक्षेप मध्यम भुवनेश्वर रे दुईटी तैयारी होची, एहा तो आज उद्घाटन हो जाई छी हमर धर्म विहार रे, आईगिणिया रे आउ गोटे उद्घाटन हबो, एवं कटक खाननगर रे मध्य आउ गोटे उद्घाटन हबो। तीनटी पई पाखापाखी 16 कोटी टंका खर्च होची, एवं गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रो CSR इनिशिएटिव रे एही तीनटी प्राकृतिक गैस आधारित शवदाह गृह उद्घाटन खूब शीघ्र हम गोटे हो जाए आउ गुड़िक खूब शीघ्र हम। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निजे उद्घाटन करते, यार लाभ निश्चित भाव में भुवनेश्वरवासी पाइबे आम आशा करवा। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन टोना मंडल प्रदीप्त महापात्र अर्गस न्यूज़।